सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल इंस्टेंट एक्सपेरिमेंट पे। और आज की वीडियो भी पहले की तरह बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं एक प्रोजेक्टर। तो यार ये कोई ऐसा वैसा प्रोजेक्टर नहीं है जो आप लोग देखते होंगे यूट्यूब वगैरह पे पड़ा रहता है कि यार वो लोग लेते हैं बल्ब और काट पीट के बना देते हैं पता नहीं क्या, और पता नहीं वर्क करता है या नहीं, तो यार उसका भी कुछ पता नहीं रहता। तो यार जो हम लोग सिंपली बनाने वाले हैं वो यार सच में रियल एकदम प्रोजेक्टर है, बिल्कुल ही जेन्युइन वीडियो है, बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करेगा। और यार सिंपली अब आपको क्या करना होगा यहाँ पर कि हम लोग को एक ले लेना होगा बल्ब, और यार सिंपली उसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो हम लोग को काट के निकाल लेना होगा, और उसके अंदर हम लोग को थोड़ा सा पानी भर देना होगा। तो यार सेफ्टी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि यार बल्ब काटते समय अगर कहीं बल्ब हल्का सा भी कहीं क्रैक होता है तो यार आपके हाथ में लग सकता है। तो यहाँ पर आपको न्यूज़पेपर जरूर यूज़ कर लेना है। और यहाँ पर मैंने सिंपली एक बोतल का ढक्कन लिया है, उसमें मैंने हॉट ग्लू गन पूरी अच्छी तरीके से भर दिया है, क्योंकि यार हम लोग को इसको जो करना है ऊपर लगाना है तो इसको हम लोग को एयर टाइट सील बनाना होगा, क्योंकि यार अगर कहीं एयर टाइट सील नहीं रहेगा तो जो हम लोग के अंदर पानी भरी है, हम लोग ने मतलब जो बल्ब में पानी भरा है वो सिंपली बाहर आ जाएगा। तो यार सिंपली आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि जो हम लोग का एयर टाइट बिल्कुल सील हो चुका है। तो यार आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, अब हम लोग को क्या कर लेना होगा, सिंपली हम लोग को ले लेना होगा एक डिब्बा। यहाँ पे मैंने जूते का डिब्बा यूज़ किया है, जो कि मम्मी का सैंडल जिसमें रखा था मैंने चुरा के उसको ले आया है यहाँ पर। और यार सिंपली अब हम लोग को क्या कर लेना होगा, हम लोग को अपने बल्ब के हिसाब से हल्की सी एक कटिंग कर लेनी होगी हम लोग के आगे की तरफ डिब्बे में। तो भैया सिंपली इसको मार्कर से मार्क करके अच्छी तरीके से इसको कट कर लेना होगा, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत आसानी से आप लोग इसको इतना कर सकते हैं। तो यार तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि यार इससे रिलेटेड और यार आपको ऐसी क्रिएटिव वीडियोस हमेशा मिलती रहती हैं। तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और यार आपके मन में हो अगर कोई नया आइडिया, आप चाहते हो कि हम आपकी वीडियो बना के डालें, तो यार उसके लिए भी सिंपली आपको क्या कर लेना होगा, जाके कमेंट कर देना है। अगर कि हमको आपका आइडिया अच्छा लगा तो यार सिंपली मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हम लोगों ने जूते के डिब्बे में हम लोगों ने कटिंग कर रखी है। तो अब हम लोग को क्या कर लेना होगा, सिंपली हॉट ग्लू गन की मदद से इसको भी हम लोग को चिपका देना होगा। और आपको ध्यान रखना होगा कि अगर कहीं इधर उधर ये गिरता है तो यार ये टूट भी सकता है, तो इस चीज़ का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होगा। तो सिंपली आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हम लोगों ने इसको चिपका लिया हॉट ग्लू गन की मदद से अच्छी तरीके से। अब हम लोग को क्या कर लेना होगा, सिंपली एक बल्ब होल्डर ले लेना होगा हम लोग को, और सिंपली एक दिफ्ती का पीस ले लेना होगा, जो कि हम लोग की काफ़ी अच्छी तरीके से फिटिंग में बैठ जाएगा हम लोग के बॉक्स के अंदर। हम लोग को क्या कर लेना होगा, बल्ब होल्डर को उसी दफ्ती में डाल के बीच में होल करके उसमें डाल देना होगा, और सिंपली हम लोग का जो दफ्ती का पीस है उसको हम लोग को जिस तरह हम लोगों ने वीडियो में किया है उसी तरह आप लोग को कर लेना होगा। तो यार वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, ज़रा सा भी बिल्कुल भी अगर आप स्किप करते हैं तो क्या पता आप कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट मिस कर देंगे जो कि यार सच में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगी। तो यार एक भी पार्ट मिस मत करिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो सिंपली आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हम लोग हॉट ग्लू गन के बाद अच्छे इसको चिपका देंगे हम लोग अपने दफ्ती को। और इतना करने के बाद हम लोग को क्या कर लेना होगा, सिंपली जो हम लोग का बल्ब होल्डर जो हम लोग ने लगाया है उसको एक बार हम लोग को अच्छी तरीके से चेक कर लेना होगा कि क्या ये अच्छी तरीके से सेंटर में एकदम फिक्स हो गया है या नहीं। तो यार इसको एक बार CFL लगा के या कोई भी LED बल्ब लगा के एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो यार बाद में पता चले कि ये सेंटर में ही ना रहे और यार आपको प्रॉब्लम हो। तो सिंपली इतना कर लेना होगा। और फिर उसके बाद हम लोग को क्या कर लेना है दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक ख़राब सा सेट यूज़ किया था फ़ोन का, क्योंकि यार जो हुआ है मेरे फ़ोन के साथ वो ये हुआ है कि जो हम लोग का डिस्प्ले होता है फ़ोन का उसमें जो हम लोग की छोटी छोटी LEDs लगी होती हैं वो मेरे फ़ोन में ख़राब हो गया है। तो यार सिंपली हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, क्या करेंगे हम लोग सिंपली उसी फ़ोन को ले लेंगे और पीछे जो उसकी शीट लगी रहती है एक एलुमिनियम की ग्रे कलर की, उसको सिंपली हम लोग हटा लेंगे। और अब आप यहाँ पर देख सकते हो जो हमारा डिस्प्ले है वो बिल्कुल ही मतलब ट्रांसपेरेंट हो जाता है हल्का फुल्का, अगर कहीं हम इसको सिल्वर वाला हटा लेते हैं पार्ट। और यार हम लोग की LED इसमें ख़राब हुई है और कोई प्रॉब्लम नहीं है इस फ़ोन में। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इस फ़ोन को हम लोग अच्छी तरीके से उसी दफ्ती पे चिपका देंगे। और यार अगर हम इसके पीछे अगर बल्ब या CFL जलाते हैं तो यार आप लोग सोच सकते हो कि जो इसकी अंदर जो इसके मतलब इमेज बनेगी वो क्लियरली बाहर आ जाएगी। तो सिंपली हम लोग को क्या कर लेना होगा, जिस हिसाब से दफ्ती हम लोग को उस हिसाब से कटिंग कर लेना होगा, जिस हिसाब से हमारा डिस्प्ले है उसी हिसाब से हम लोग को कटिंग करके उस पर चिपका देना होगा। और सिंपली हम लोग को क्या कर लेना है कि जो अब हम लोग का जो दफ्ती वाला पार्ट है जो जिस पे हम लोग अपना ये चिपकाएंगे उसको हम लोग को सिंपली उसी में लगा देना है जो हम लोगों ने जूते वाला डिब्बा लिया है। तो यार सिंपली चलो फटाफट ये भी करके देख लेते हैं। और यहाँ पर आप लोग को ध्यान रखना होगा क्योंकि यार ये जो फ़ोन का पार्ट वगैरह होता है ये बहुत ही नाजुक होता है, तो अगर आप इसे ज़्यादा इधर उधर खींचते वगैरह हो तो यार ये टूट भी सकता है। और आपको सिंपली ये भी ध्यान रखना होगा कि जो हम लोग का इसका टच है उसके भी पार्ट को मतलब कोई दिक्कत ना हो। मैं यहाँ पर आपको एक बार हल्का सा चेक करा के दिखा दे रहा हूँ कि आप लोग देख सकते हो कि मेरा जो फ़ोन है वो बिल्कुल ही सही है, बस में जो प्रॉब्लम है वही है कि डिस्प्ले की जो LED है वो थोड़ी सी ख़राब है। तो यहाँ पर आप कैमरे क्वालिटी की वजह से थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यार लेकिन यार ये वर्क कर रहा है।
तो भैया अब हम लोग को क्या कर लेना होगा, सिंपली हम लोग का जो ये हम लोग का जो मदरबोर्ड है, मतलब जो हम लोग का बोर्ड है मेन हम लोग के फ़ोन का, उसको सिंपली हम लोग को चिपका लेना होगा दफ्ती वाले पार्ट से, और जो हम लोग का डिस्प्ले है उसको हम लोग को दूसरे वाले पार्ट से चिपका देना होगा, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। तो सिंपली यहाँ पर भी मैं हॉट ग्लू गन का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि यार हॉट ग्लू गन यूज़ करने से काफ़ी ईजिली हो जाएगा। और सिंपली आप लोग को इसका चार्जर पिन भी बचाना है, और जो बटन होती है इसकी उसको ऊपर के साइड का रखना है। और सिंपली अब हम लोग को क्या कर लेना होगा, जो हम लोगों ने बोला है चिपकाने के लिए हम लोग के डिस्प्ले को, तो सिंपली उसको भी चिपका लेना होगा अपनी कटिंग वगैरह कर करके। और सिंपली अब हम लोग को क्या कर लेना होगा, जो हम लोग को एक बैटरी ले लेनी होगी, लिथियम आयन की छोटी वाली जो बैटरी आती है, आप चाहो तो कोई सी भी बैटरी यूज़ कर सकते हो यहाँ पर, बस आपको फ़ोन बैटरी ही यूज़ करना है, नहीं तो ये अच्छी तरीके से वर्क नहीं करेगा। तो यार सिंपली हम लोग को फ़ोन बैटरी को लेना होगा और उसकी वायरिंग कर देनी होगी हमारे इसी फ़ोन के साथ। आप चाहे तो सोल्डरिंग करके भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो डायरेक्टली बैटरी जिस तरह आप हमारे फ़ोन में लगा होता है उस तरह आप लगा भी सकते हैं। तो इतना कर लेना हम लोग को, तो चलिए फटाफट इतना करके देखते हैं। और दोस्तों अगर आपके मन में हो कोई क्वेश्चन, या फिर कोई ऐसा पार्ट हो वीडियो में जो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो सिंपली उसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना है, बस जाके कमेंट कर देना होगा, और मैं क्या करूँगा आपको सिंपली उसका रिप्लाई देके आपको फुल सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, और वहाँ पे भी आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हो। तो यहाँ पर सिंपली आप लोग देख सकते हो जो हम लोग का आधा काम हो चुका है। अब हम लोग को सिंपली क्या कर लेना होगा, बैटरी लगा देना होगा। तो यार बैटरी लगाना चुटकियों का काम है, जैसे कि मैंने किया, तो यार चुटकी में एक बार में बैटरी लग जाएगा, और डबल साइड टेप की मदद से हम लोग को बैटरी को भी चिपका देना होगा, जिससे कि इधर उधर हिलाने पर ये गिरे ना। तो सिंपली अब हम लोग को क्या कर लेना होगा, आप लोग को यहाँ पर दो तीन चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, कि जो डिस्प्ले हो वो सेंटर पे हल्का सा हो, और जो हम लोग का बल्ब हो वो बिल्कुल ही सेंटर पे हो, कि मतलब हल्का सा भी लाइट जो हो वो इधर उधर से ना पास हो, डिस्प्ले से लड़के ही पास हो। तो यार यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा सा मुझसे गड़बड़ी हुई थी दफ्ती को काटने में, बट यार उतने से कुछ नहीं होगा। तो यार सिंपली आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जो हम लोग का बल्ब है वो काफ़ी अच्छा ग्लो कर रहा है। आप चाहो तो यहाँ LED बल्ब भी यूज़ कर सकते हो, और आप चाहो तो यहाँ पर CFL भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो भी बल्ब यूज़ करो वो काफ़ी हाई क्वालिटी और हाई पावर होना चाहिए, नहीं तो यार ये अच्छे तरीके से वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हम लोग की इमेज है वो अच्छी तरीके से यहाँ पर बनने लगी है, आप लोग देख सकते हो हल्का फुल्का। अब हम लोग इसको दीवार की तरफ करके भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो यार मुझे ऑगी एंड द कॉकरोचेस शो बहुत पसंद है कार्टून में, आप लोग को जो पसंद है वो कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको छोटा भीम पसंद है तो यार वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, आप अपना पसंद ज़रूर कमेंट करिएगा। और यार सिंपली अब आप देख सकते हो यहाँ पर जो हम लोग का प्रोजेक्टर है वो काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, मतलब कोई भी इसमें फेक वीडियो नहीं है, मैं फेक वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाता हूँ। आप लोग देख सकते हो काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। यहाँ पर आप लोग को ध्यान रखना होगा कि जो हम लोग का फ़ोन का डिस्प्ले है वो हम लोग कैसे वर्क कराएंगे, इस चीज़ का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होगा। आप चाहो तो इसको लैपटॉप से करके भी कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो टच से भी करके कर सकते हो। तो यार आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना। और यार मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।